विपक्षी पार्टी का कुनबा है वो बढ़ता जाएगा। देखो एक बात है, कुनबा बढ़े या ना बढ़े, कंफ्यूजन और कलह जरूर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो म्यूजिकल चेयर का गेम होता है ना, तो कुर्सी एक और खिलाड़ी अनेक आज की तारीख में ये दिखाई पड़ रहा है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि बिना वैकेंसी की व्यग्रता और बिना विचारों की उग्रता। अब जिना बिना वैकेंसी की अगर व्यग्रता हो और बिना विचारों की उग्रता हो, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका हश्र क्या होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में जो इन्होंने सो कॉल्ड गठबंधन बनाया है, उसमें न विचार है, न सोच है, न तो नेतृत्व के प्रति किसी तरह का कोई स्पष्टता है। और जैसे म्यूजिकल चेयर का खेल होता है ना, कि अब एक दर्जन से ज़्यादा तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं अब तक, अब आते आते देखिएगा क्या क्या होगा और आखिर में क्या होने वाला है कि उनकी कुर्सी के टुकड़े हुए हज़ार, कोई इधर गिरी कोई उधर गिरी, कोई हाँ कोई उसका हत्था लेके घूमेगा, कोई उसका पैर लेके घूमेगा, कोई उसकी कुर्सी लेके घूमेगा, और उसके बाद जो है कहेंगे हम तो गए अपनों को पीएम बनने के सपनों को वो देखो, तोड़। एक चीज़ इन लोगों को गलत फहमी निकाल देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी लीडर बाई च्वाइस है, राहुल गांधी जी लीडर बाई चांस है। तो लीडर बाई चॉइस और लीडर बाई चांस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी किसी विरासत से के जो है वो पालने से जो है वो निकल करके नेतृत्व नहीं, बल्कि खेत खलिहान चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके आए। नरेंद्र मोदी जी के कामयाबी की छत उनके कदमों के छालों से भरी हुई है। अब ये जो परिवार के पालने से निकले हुए लोग लगते हैं कि मोदी जी से हम मुकाबला करेंगे, अरे मुकाबला करने के लिए आपको कई जन्म लेना पड़ेगा।